महाराष्ट्र में बीजेपी ने शुरू की आदित्य ठाकरे की घेराबंदी, संभाजी नगर में आदित्य के खिलाफ नारेबाजी तो वर्ली में लगाए पोस्टर। ये सरकार हमसे डरती है। संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम से पहले बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आदित्य के होटल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उद्धव गुट के कार्यकर्ता भी बीजेपी का विरोध करने पहुंच गए। हंगामा रोकने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। आदित्य ठाकरे के खिलाफ बीजेपी ने वर्ली में भी पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। दही हांडी उत्सव के बहाने बीजेपी ने वर्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में अफजल खान के वध के प्रसंग को दिखाने का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने ये पोस्टर उद्धव ठाकरे के उस बयान के जवाब में लगाया है जिसमें उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहा था। हर जगह जिंदगी भर 24 घंटे और राजनीति सोचने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। 2024 लोकसभा चुनाव में वर्ली से शिवसेना यूबीटी को महज 6000 वोटों से बढ़त मिली थी। ऐसे में वर्ली से आदित्य को घेर कर बीजेपी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। लखनऊ में कल बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहला एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। हर 5 साल बाद बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बैठक में मायावती को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बैठक से पहले मायावती ने ट्वीट कर साफ कहा कि अभी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का उनका कोई विचार नहीं है। बैठक में कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा होगी। बीएसपी कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। बीएसपी ने मोदी सरकार से संसद में बिल लाकर कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग की है। बैठक में यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। चर्चा है कि बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद और भी बढ़ाया जा सकता है। झारखंड को लेकर दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल, चंपाई सोरेन पहुंचे दिल्ली। चंपाई सोरेन के दिल्ली पहुंचने के साथ ही फिर ये सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगा है कि क्या चंपाई बीजेपी में शामिल होंगे। इन सवालों पर दिल्ली पहुंचने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि फैसला जल्द होगा। क्या बीजेपी जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान है सर? नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली में आजसू के मुखिया सुदेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात से पहले ही सुदेश ने कहा कि चंपाई सोरेन सूबे का भला सोचने वालों के साथ जाएंगे। वहीं रांची पहुंचे हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि चंपाई बीजेपी में आए। चंपाई दा राज्य के लिए सोच रहे हैं, अगर राज्य के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो भी राज्य के लिए एक अच्छी टीम के साथ जाना पसंद करेंगे। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे। चंपाई सोरेन 2 दिन के लिए दिल्ली आए हैं। पिछली बार दिल्ली से लौटने के बाद चंपाई ने 1 हफ्ते में अगले कदम के ऐलान की बात कही थी। ABP News आपको रखे आगे।